Hi guys, welcome to Screen Guru. So here I am with dose 3 of our daily current affairs series, which will be in the form of MCQs. So it will take care of your practice for your exams, as well as it will give you daily updates about the various happenings in your country as well as international news. ठीक है, तो आज हम 6 September 2021 आज के न्यूज़पेपर के MCQs देखने वाले हैं. So let's start. Today's newspaper is very important as it has all the most important, I can say, now it has become static GK. तो जो current happenings में हमारा जो Paralympics हुआ था, तो Paralympics के medals किसने जीते, कौन सा sports person किस sport से associated है, ये सब चीज़ उसमें आएंगे. फिर इंडिया का rank क्या था, ये सब जो भी notable points है, important event था एक बहुत बड़ा, वो पूरे newspaper में cover हुआ है. तो if you haven't read the newspaper, it is fine, just watch this video, all the information would be covered, majority of the information would be covered. So let's start with our first question, and that is, how many Indian athletes participated in Tokyo Paralympics 2020? So iske aapke paas options hai, option A 50, option B 52, option C 54, and option D is 56. Now what you can do is, if you are watching this video for the first time, whenever I am telling you or giving a verbatim to these options, मतलब मैं जब options read कर रहा हूँ तब आप video को pause कर सकते हो, या फिर आप तभी के तभी answer note कर सकते हो अगर आपको सोचने के लिए time नहीं चाहिए तो, तभी के तभी अगर आप mark कर रहे हो तो. Okay, please try to mark your question, mark your answers, whatever you feel, it might be wrong, it might be right also. इट डजेंट मैटर, अगर आपका राइट आ गया या फिर गलत आ गया तो कुछ मैटर नहीं करने वाला, लेकिन आपकी एक प्रैक्टिस बन जाएगी कि आपको कम टाइम में आपको आंसर्स कैसे मार्क करना है, कैंसलेशन कैसे करना है, गलत ऑप्शंस कैसे कैंसिल आउट करना है, ये सब जो टेक्निक्स होते हैं उसकी प्रैक्टिस होती रहेगी. तो प्लीज़ मार्क योर आंसर्स, इट डजेंट मैटर इफ यू गेट्स रॉन्ग और एवरी क्वेश्चन गेट्स रॉन्ग, ओके, यू विल लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स. सो जस्ट मार्क इट, आई विल गिव आउट द आंसर्स एज वेल एज ट्राई टू एक्सप्लेन द क्वेश्चन इन अ ब्रीफ, आई कैन से. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये था, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज़ 54. तो 54 नंबर याद रख लेना, 54 इज़ द टोटल नंबर ऑफ इंडियन एथलीट्स विच पार्टिसिपेटेड इन टोक्यो पैरालंपिक्स 2020. हम टोक्यो पैरालंपिक्स की बात करेंगे क्योंकि वो आज न्यूज़पेपर में पूरा बहुत कवर हुआ है. तो न्यूज़पेपर में जो भी मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सब मैंने एमसीक्यू के फॉर्म में बना दिए. सो जस्ट रिमेंबर दैट दिस इज पैरालंपिक्स, वी आर इन टॉकिंग अबाउट टोक्यो ओलंपिक्स. ओके, moving ahead to our next question, that is question number 2. So which of the following game made its debut in Tokyo Paralympics 2020? To ye games mein option A hai badminton, option B hai cricket, option C hai karate, and option D hai football. Now what you can do is yahan aap mark kar sakte ho, cancel out kar sakte ho. Cricket to tha nahi na yaar, अगर आपने देखा भी नहीं होगा पैरालंपिक्स, थोड़ा तो अपडेट्स अगर आपको मिलता होगा, अगर आपने मेरा चैनल भी फॉलो किया होगा तो मैं जो शॉर्ट्स वीडियो बनाता हूँ उसमें आपको क्रिकेट तो दिखा नहीं ना, या फिर आपने थोड़ा भी अपडेट अगर लिया होगा, थोड़ी भी कुछ जानकारी होगी, तो क्रिकेट तो आपने देखा नहीं होगा पैरालंपिक्स में, तो डायरेक्ट कैंसिल आउट करिए क्रिकेट. फुटबॉल भी अगर आपको पता है हुआ था नहीं हुआ था, फुटबॉल भी इस बार नहीं था. ओके, तो इट डिडंट मेक द डेब्यूट, तो फुटबॉल ने डेब्यूट नहीं बनाया था. तो सही आंसर क्या होगा, अभी आपके पास बचे दो ऑप्शंस, अगर आपको थोड़ा आइडिया नहीं है तो इसमें आप तुक्का मार सकते हैं, मतलब 50-50. लेकिन इसका सही आंसर है, दैट इज ऑप्शन ए बैडमिंटन. सो बैडमिंटन वॉज द गेम विच मेड इट्स डेब्यूट इन टोक्यो पैरालंपिक्स 2020. और एक गेम है या फिर स्पोर्ट है उसके बारे में हम बात करेंगे आगे, अगला क्वेश्चन उसी के ऊपर है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग गेम मेड इट्स डेब्यूट इन टोक्यो पैरालंपिक्स 2020. ऑप्शन ए इज बॉक्सिंग, ऑप्शन बी इज स्क्वैश, ऑप्शन सी इज स्केटिंग, ऑप्शन डी इज टाइक्वांडो. स्केटिंग कहाँ हुआ था, टोक्यो ओलंपिक्स में उसने क्या किया था, डेब्यूट किया था, राइट, टोक्यो ओलंपिक्स में स्केटिंग ने डेब्यूट किया था, लेकिन ये पैरालंपिक्स की बात चल रही है, राइट. सो द राइट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन डी, दैट इज टाइक्वांडो. मूविंग अहेड, व्हाट वॉज इंडियाज रैंक एट टोक्यो पैरालंपिक्स 2020. तो ये बात याद रखना बहुत ज़रूरी है, यहाँ ऑप्शन है आपके पास 25, 24, 21, 23, तो एग्जैक्ट नंबर याद रहना चाहिए, यहाँ आप तुक्का नहीं मार पाओगे क्योंकि नए नज़दीक है ना नंबर्स. सो द राइट आंसर इज 24 इज़ द ऑफिशियल रैंक विच इज़ बेस्ड ऑन
गोल्ड मेडल्स, सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल्स को प्रायोरिटी मिलता है. ओके, गोल्ड, देन सिल्वर एंड देन ब्रॉन्ज. ऐसे प्रायोरिटी में देखेंगे तो इसका जो ऑफिशियल रैंक है इंडिया का वो 24 है. नाउ बेस्ड ऑन टोटल नंबर ऑफ मेडल्स, इंडियाज रैंक इज 20th. ओके, याद रखना 20th रैंक है अगर आपने टोटल नंबर ऑफ मेडल्स से देखा तो. टोटल नंबर ऑफ मेडल्स वो भी अगला एमसीक्यू है, उसमें हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ मेडल्स कितने जीते हमने. तो याद रखना है 24 हमारा ऑफिशियल रैंक है. अगर आप बेसिक आपको रैंक पूछा गया तो 24 लिखोगे, अगर बेस्ड ऑन टोटल नंबर ऑफ मेडल्स पूछा गया तो आप 20 लिखोगे. मूविंग अहेड, हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया वन एट टोक्यो पैरालंपिक्स 2020? सो हियर द आंसर इज, पहले ऑप्शंस पढ़ लेता हूँ. ऑप्शन ए इज 20, ऑप्शन बी इज 15, ऑप्शन सी इज 19 एंड ऑप्शन डी इज 18. तो यहाँ भी थोड़े नज़दीक है ऑप्शंस, तो यहाँ आपको याद रखना है दैट इज सी. टोटल नंबर ऑफ मेडल्स में रैंक था हमारा 20th, मेडल्स हमने जीते 19th. ऐसे याद रखोगे थोड़ी स्टोरी बना के तो याद रह जाएगा. 20th हमारा टोटल बेस्ड ऑन टोटल मेडल्स हमारा रैंक है. तो एक मेडल हमने उससे, मतलब एक नंबर कम, दैट इज 19 मेडल्स हमने टोटल जीते हैं, ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड सब मिला के. ओके, मूविंग अहेड, विच स्पोर्ट और गेम गेव इंडिया इट्स हाईएस्ट नंबर ऑफ मेडल्स? ऑप्शन ए इज ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स, ऑप्शन बी इज बैडमिंटन, ऑप्शन सी इज टेबल टेनिस एंड ऑप्शन डी इज आर्चरी. ओके, तो ये सब में हमें मेडल्स तो मिले हैं राइट. बैडमिंटन में मेडल है, टेबल टेनिस में मेडल है, लेकिन सबसे ज़्यादा मेडल्स किस में, ऐसा क्वेश्चन है. तो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स, और इसने हमें 8 मेडल्स दिए. आर्चरी ने हमें 1 मेडल दिया है, टेबल टेनिस ने 1 मेडल दिया है, बैडमिंटन ने 4 मेडल दिए. सबसे ज़्यादा मेडल्स हमें ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स से मिले, जैवलिन थ्रो ये सब. ओके, मूविंग अहेड, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कृष्णा नागर वॉन गोल्ड इन विच गेम और स्पोर्ट एट टोक्यो पैरालंपिक्स 2020? ऑप्शन ए इज बैडमिंटन, ऑप्शन बी इज टेबल टेनिस, ऑप्शन सी इज जैवलिन थ्रो, ऑप्शन डी इज शूटिंग. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज बैडमिंटन. नाउ हाउ कम, ये क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है जब आपको बेसिक पता होना चाहिए कि मतलब कौन सा स्पोर्ट्स पर्सन कौन सा स्पोर्ट्स खेलता है, कौन सा स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है. मोस्टली इट इज आस्क्ड इन ग्रुप डी ग्रुप सी एग्जाम्स एज वेल एज यूपीएससी में. ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी देखने को मिलते हैं कि डायरेक्ट एक स्पोर्ट्स पर्सन, एक सेलिब्रिटी या फिर एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी का नाम मिलता है और उससे रिलेटेड बुक पूछी जाती है, उससे रिलेटेड गेम पूछा जाता है, स्पोर्ट्स पूछा जाता है, वो जिससे भी एसोसिएटेड है वो पूछा जाता है. सो प्लीज़ मेक श्योर यू नो एटलीस्ट द मेजॉरिटी ऑफ देम. सो द राइट आंसर हियर इज बैडमिंटन, इज अ पैरा बैडमिंटन प्लेयर कृष्णा नागर, उन्होंने गोल्ड जीता था इंडिया के लिए. ओके, मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज थॉमस एंड उबर कप आर एसोसिएटेड विद विच गेम? ऑप्शन ए इज फुटबॉल, ऑप्शन बी इज बैडमिंटन, ऑप्शन सी इज क्रिकेट एंड ऑप्शन डी इज गोल्फ. नाउ दिस वॉज इन न्यूज बिकॉज ऑफ, चलो नाम बता दिया तो आपको पता चल जाएगा आंसर. तो दिस वॉज इन न्यूज बिकॉज ऑफ साइना नेहवाल लीड कर रही है वुमेन्स टीम को. ओके, वुमेन्स टीम को लीड कर रही है और साई प्रणीत, बी साई प्रणीत इज लीडिंग मेन्स टीम. नाउ इफ यू हैव दिस बेसिक आइडिया और नॉलेज दैट साइना नेहवाल इज एसोसिएटेड विद बैडमिंटन, सो यू विल डायरेक्टली मार्क दिस आंसर. तो इसका सही जवाब है बैडमिंटन. तो आपको ये भी याद रखना, अगर आपको दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि किसने लीड किया वुमेन्स टीम को मेन्स टीम को, तो मैं बता देता हूँ, वुमेन्स टीम को लीड किया है स्टार शटलर, दैट इज साइना नेहवाल, एंड मेन्स टीम को लीड किया है अगेन वन ऑफ इंडिया स्टार शटलर्स, दैट इज बी साई प्रणीत, पी एच. ओके, मूविंग अहेड, हमिद करजाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज इन. अब ये जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स होते हैं ना, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, ऐसे बहुत सारे जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स होते हैं
नॉट जस्ट इन इंडिया बट ऑल्सो इन अदर कंट्रीज. इनके नाम बहुत ज़रूरी होते हैं बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन सम पर्टिकुलर पर्सनैलिटी इवेंट एक्सेट्रा. सो प्लीज़ मेक श्योर यू नो एटलीस्ट द वंस विच आर इन न्यूज. ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है बिकॉज ऑफ द अनफॉर्चुनेट इवेंट इन अफगानिस्तान विच इज़ गोइंग ऑन. द तालिबान overtook the democratical government which was set up by the US, right? So ये इतना मैंने बता दिया था यार. इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज काबुल. इट इज इन अफगानिस्तान. ढाका इज द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश. ये तो सऊदी अरबिया, ये तो कंट्री है खुद ही, ठीक है. इस्लामाबाद इसका कैपिटल है पाकिस्तान, ठीक है. तो याद रखना है हमिद करजा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है, दैट इज इन काबुल अफगानिस्तान. ये बहुत न्यूज़ में तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है. मूविंग अहेड, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड ऑफ गिफ्टेड वॉइस. ऑप्शन ए इज चेतन भगत, ऑप्शन बी इज खलील गिब्रिन, ऑप्शन सी इज केशव देसी राजू एंड ऑप्शन डी इज रॉबिन शर्मा. तो दीज आर वर्ल्ड फेमस राइटर्स, वर्ल्ड फेमस ऑथर्स, सभी बहुत वर्ल्ड फेमस है अलग अलग बुक्स के लिए. इनको आपका अगर नॉलेज होगा तो आपको पता होगा इनके बुक्स. रॉबिन शर्मा के द 5 AM क्लब, खलील गिब्रन का द प्रॉफिट, चेतन भगत का 2 States एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट इज ऑप्शन सी, केशव देसी राजू. ही वॉज ऑल्सो फॉर्मर यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ओके, ये याद रखना. एंड ही अनफॉर्चुनेटली पास्ट अवे. तो ये याद रखना आपको कि इनका जो ये बुक है ऑफ गिफ्टेड वॉइस दैट वॉज ऑथर्ड बाय केशव देसी राजू. ही वॉज ऑल्सो फॉर्मर यूनियन हेल्थ मिनिस्टर. प्लीज रिमेंबर दिस. मूविंग अहेड, SCO stands for, very basic question. SCO is an international organization, right? So this stands for, option A is Security Community Organization, option B is Shanghai Cooperation Organization, option C is Shanghai Corporate Organization, and option D is Sumatra Corporation Organization. यार ये बहुत basic है, इसका सही answer है, that is option B, Shanghai Corporation Organization. Now this is in news because इट इज़ हैविंग इट सबमिट. अभी SCO सबमिट होने वाला है तो इसीलिए वो न्यूज में आ रहा है. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12. फर्स्ट इंडियन सिविल सर्विस ऑफिसर टेक पार्ट एंड विन मेडल इन टोक्यो पैरालंपिक्स 2020. तो हु बिकेम द फर्स्ट सिविल ऑफिसर टू एवर टेक पार्ट एंड विन मेडल इन एनी पैरालंपिक्स. दैट इज ऑप्शन आर सुहास यतिराज, बी कृष्णनागर, सी भाविना बेन पटेल एंड डी अवनी लखेरा. नाउ दीज आर ऑल मेडलिस्ट इन डिफरेंट गेम्स. आपको आप ऐसे तो कैंसिल आउट नहीं कर पाओगे. अगर आपको पता है अवनी लखेरा इज़ फॉर शी इज़ फॉर राइफल शूटिंग एंड शी इज़ नॉट अ सिविल सर्विस ऑफिसर, कैंसिल आउट. भाविना बेन पटेल इज़ ऑल्सो नॉट अ सिविल सर्विस ऑफिसर, कैंसिल आउट. कृष्णा नागर जिनका हमने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया, he is also not a civil service officer. So who became the first person to ever take part in Paralympics and win a medal? That is, the right answer is Suhas Yathiraj. Okay? ye yaad rakhna, he became the first person ever. So this becomes now a part of history, or I can say a part of static GK. To aapko yaad rehna chahiye. What is the total number of countries participated in Tokyo Paralympics 2020? So as you must be having knowledge that the total number of countries in the whole world currently is 193 plus 2 countries. ठीक है, 193 plus 2 बोलते हैं क्योंकि 193 ऑफिशियल रिकोगनाइज हो गया और जो प्लस 2 है वो अभी तक रिकोगनाइज नहीं हुए हैं. किसने? यूनाइटेड नेशंस ने रिकोगनाइज नहीं किया है अभी तक. तो कितने कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था पैरालंपिक्स में? ऑप्शन ए इज 190, ऑप्शन बी इज 175, ऑप्शन सी इज 162 एंड ऑप्शन डी इज 178. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी 162. ओके, सो 162 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन टोक्यो पैरालंपिक्स 2020. नाउ यू मस्ट बी सीइंग दैट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम पैरालंपिक्स. एज आई सेड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड एंड गोइंग ऑन ऑल अराउंड द न्यूज़पेपर्स इज अबाउट पैरालंपिक्स एज इट हैड द क्लोजिंग सेरेमनी.
तो इसीलिए मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन उसी पे बन रहे हैं। चलिए 14th क्वेश्चन देखते हैं हम। हु अमंग द फॉलोइंग क्रिएटेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड इन जैवलिन थ्रो इवेंट एट टोक्यो पैरालंपिक्स 2020। ऑप्शन ए इज सुमित एंटिल, ऑप्शन बी इज मनीष नरवाल, ऑप्शन सी इज निशांत कुमार एंड ऑप्शन डी इज प्रवीण कुमार। सो द राइट आंसर इज सुमित एंटिल। ही मेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड इन जैवलिन थ्रो। सो यू ऑल्सो गॉट इन्फॉर्मेशन दैट ही इज एसोसिएटेड विद जैवलिन थ्रो। ओके, याद रखना, ही हैज अ वेरी फैबुलस परफॉर्मेंस और आउट ऑफ द क्लास परफॉर्मेंस। उन्होंने हर थ्रो में अपने जो पर्सनल रिकॉर्ड्स है वो क्रैक करते गए थे वो, और फाइनली उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी क्रैक कर लिया। सो ही वॉज नन अदर देन सुमित एंटिल। द राइट आंसर इज सुमित एंटिल। मूविंग अहेड टू आवर लास्ट क्वेश्चन, दैट इज प्रवीण कुमार इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। ऑप्शन ए इज स्टीपल चेज इवेंट, ऑप्शन बी इज जैवलिन थ्रो, ऑप्शन सी इज हाई जंप एंड ऑप्शन डी इज लॉन्ग जंप। सो द राइट आंसर हियर इज he is associated with high jump. He also made a record, okay, in high jump. So that's all for today. I hope the majority of important headlines or the majority of events have been covered in this video. So I hope you found value in this content. If that's all, please do share with your friends. अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करो, बोलने की वो ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर आपको वैल्यू मिल रही है तो ही सब्सक्राइब करो। वैसे भी इससे कुछ मॉनेटरी गेन्स के लिए मैं ये सब नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। आई जस्ट वांटेड टू हेल्प यू गाइस आउट, एंड इफ़ यू फाइंड वैल्यू प्लीज़ डू हेल्प योर फ्रेंड्स एज वेल। सम ऑफ द क्वेश्चंस, किसी का कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो उसकी मदद हो जाएगी, राइट। सो प्लीज़ डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। सो हैव अ ग्रेट डे अहेड। दैट्स ऑल, दैट्स स्क्रीन गुरु फॉर यू। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय। कह रहे थे तुम करो, आज हमने कर दिया तो कह रहे हम करेंगे, तो करो ना भाई।